नमस्कार। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह केवल आकार में ही विशाल नहीं है, कविता की जिन ऊंचाइयों पर यह महान काव्य आरोहण करता है और चिंतन के जिन धरातलों का यह स्पर्श करता है, वे भी विश्व साहित्य में दुर्लभ ही है। महाभारत का मर्म समझने का अर्थ है जीवन का मर्म समझना, क्योंकि यह महान काव्य जीवन के महासागर में अवगाहन करके उसके मर्म से हमें हमारा साक्षात्कार कराता है। महाभारत हमें यह भी बताता है कि सच्चे ज्ञानी कैसे होते हैं और मिथ्या पंडित कैसे होते हैं, छद्म बुद्धिजीवी कैसे होते हैं और वास्तविक बुद्धिजीवी कैसे होते हैं। महाभारत में पंडित का एक लक्षण किया गया है, वही ज्ञानी का और बुद्धिजीवी का भी लक्षण है। पंडित शब्द को हमारे समय में बहुत बदनाम किया गया, उसका अवमूल्यन किया गया है और हमारी परंपरा में चमकते हुए उज्जवल रत्नों की तरह जो शब्द हमें मिले थे उन्हें किसी कीचड़ में लपेट दिया गया है। पर हमारे ऋषि जब बताते हैं कि सच्चा पंडित कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है, तो हमें उस कीचड़ को धोकर सच्चे पंडित की पहचान करनी चाहिए। हमारी परंपराओं पर जो कालिक पोती गई है उसे हमें मिटाने का प्रयास करना चाहिए महाभारत के मार्ग से। हमारे शब्द हमसे छीन लिए गए हैं, हमें उनको वापस हासिल करना चाहिए। हम जो अपनी परंपराओं को चिंतन और मनन के द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, हमें यह बताने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में पंडित कौन है, बजाय इसके कि दूसरा कोई हमें यह बताए कि पंडित कैसा होना चाहिए और बुद्धिजीवी कैसा होना चाहिए। महाभारत हमें यह बताता है कि पंडित कैसा होता है। शोकस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। महर्षि व्यास ने पंडित की पहचान बताते हुए कहा, शोकस्थान सहस्राणी, हजार हजार मौके आते हैं जीवन में शोक के, रोने धोने के, दुखी होने के। शोकस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी च, और सैकड़ों मौके आते हैं, शत शत अवसर आते हैं जीवन में, प्रसंग आते हैं डर जाने के। भय के स्थान भी शत शत हैं, शोक के स्थान भी सहस्र सहस्र हैं, पर ये सारे भय के स्थान और शोक के स्थान दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति, रोज रोज हर दिन मूढ़ व्यक्ति को दबोचे रहते हैं, दबोचते चले जाते हैं, आविष्ट करते हैं। न पंडितम, पंडित को ये नहीं छूत पाते, पंडित को ये आविष्ट नहीं करते। जो शोक के स्थानों और भय के स्थानों से अभिभूत नहीं होता है वह पंडित है, यह पंडित की एक पहचान इसमें बताई गई। जो शोक से उबर चुका है, जो मामूली लोग जिन चीजों पर शोक करते हैं, दुखी होते हैं, वह संसार की जो क्षुद्रताएं और तुच्छताएं हैं उनसे ऊपर उठ चुका है, उनको अतिक्रांत कर चुका है और हम जीवन में जिनसे भय खाते हैं उनके आगे वह निर्भय खड़ा होता है। पंडित ऐसा होता है, ज्ञान की तेजस्विता के कारण वह निर्भय होता है, हो जाता है। जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हो पंडित हो, और जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ है वही पंडित कहलाया जाए। कई बार शास्त्र ज्ञान मनुष्य को वैचारिक स्वराज की ओर ले जाता है, इसलिए है या नहीं होती हैं किताबें। भले ही कहते रहें कबीर की पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, हुआ न पंडित कोय, लेकिन बहुत सारे पंडित हुए जिन्होंने कि शास्त्रों का पारावार पार किया और वैचारिक स्वराज को, निर्भयता के पद को भी उसी के द्वारा उन्होंने हासिल किया।
इसलिए बहुत सावधानी से पहचान की जानी चाहिए कि ज्ञान की तेजस्विता भी निर्भय बनाती है। उस निर्भयता में, उस निर्भय होने में स्वातंत्र है, उसी में हमारी मुक्ति और हमारा स्वराज है। पंडित जो स्वराज को प्राप्त करके समय के थपेड़ों के बीच में स्थिर खड़ा रहता है, इसलिए वह समाज के सामने एक आकाशदीप की तरह पथ प्रदर्शक होता है और समाज उससे आशा रखता है कि वह हमें राह बताएगा। वो पंडित यह करते आए हैं। पर यह भी सही है कि कभी कभी पंडित भी कहीं कहीं लड़खड़ा जाते हैं, पर वे अपने को संभाल लेते हैं। पंडित वही है जो अपने ज्ञान की गरिमा में अपने आप को, अपने आत्म को, अपने स्वत्व को और अपने वैचारिक स्वराज को बचाकर रखता है। वे कमजोर पड़ सकते हैं कभी कभी ममता के कारण, कभी कभी मानवीय दुर्बलताओं के कारण, वे कभी कभी बाध्य कर दिए जा सकते हैं, पर वे अपने आप को फिर भी संभाल कर रखते हैं। हमारे समय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे ही पंडित हुए। वो अनेक वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापक रहे, रविंद्रनाथ टैगोर और क्षितिन्द्र मोहन सेन जैसे मनीषियों के सानिध्य में वे रहे। वहां रहकर उन्होंने बहुत कुछ ज्ञानार्जन किया, पंडित अपने आप को बनाया। उसी समय उसी शांति निकेतन में इंदिरा गांधी भी छात्रा हुआ करती थी। उस समय वे बच्ची थी और आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के घर चली जाया करती थी। बहुत स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने गुरु माना, आजीवन गुरु माना आचार्य प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने। इंदिरा गांधी की एक खूबी यह थी कि वे पंडितों का आदर करना जानती थी। यह खूबी अब प्रायः दुर्लभ होती चली जा रही है। कदाचित इंदिरा गांधी के प्रति जो मन में स्नेह रहा होगा, जो कुछ ममता रही होगी कि वो छोटी सी बच्ची ही थी, किशोरी थी और छात्रा रही है, उस कारण से या अन्य किसी भी कारण से इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका समर्थन तो नहीं किया पर उसका विरोध भी नहीं किया। इमरजेंसी के विरोध में अनेक साहित्यकार उठ खड़े हुए थे, हमारे जैसे युवा लोग भी उस समय थे जो असहमति व्यक्त कर रहे थे अपनी रचनाओं में। हमारे पंडितों में कई ऐसे भी थे जो कि प्रशस्ति काव्य लिख रहे थे, इंदिरा गांधी पर महाकाव्य लिख रहे थे और गुण गा रहे थे, लेकिन ऐसे तेजस्वी पंडित भी थे कि इमरजेंसी पर प्रखर तेजस्विता के साथ में जन विजय महाकाव्य भी परमानंद शास्त्री ने लिखा, हिंदी में, संस्कृत में, अन्य भारतीय भाषाओं में। ऐसे कलाकार और साहित्यकार अनेक हुए जिन्होंने की जो आतंककारी, दमनकारी, एकाधिकार, एक तंत्रीयवादी जो नीतियां हैं, जो मनुष्य से उसका स्वायत्त, उसकी स्वायत्तता छीनती हैं, उसके वैचारिक स्वराज पर हमला करती हैं, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती हैं और उसके विवेक को कुंठित करना चाहती हैं, उनका विरोध अनेक तरफ से हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास कुछ साहित्यकार गए थे कि इमरजेंसी के, आपातकाल के विरोध में हम एक अभियान चला रहे हैं, इस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, तो बहुत असमंजस में पड़ गए। यद्यपि वे सहमत नहीं थे इमरजेंसी लगाने की नीति से, पर अंततः उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। जो बुद्धिजीवी गलत बात का विरोध नहीं कर पाता, नहीं करता, वह सच्चा बुद्धिजीवी नहीं है। कभी कभी पंडित भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन वह संभाल लेता है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे विरोध करना चाहिए था, यदि गलत बात हो रही है तो, यदि दमनकारी कोई शासन है तो मुझे उसका विरोध करना चाहिए था। उन्होंने फिर एक लेख लिखा था और अच्छा लेख है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भीष्म को भी क्षमा नहीं किया जा सकता, भले ही वे कितने बड़े ज्ञानी हों, लेकिन एक कुलवधु उसको घसीट करके लाया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है भरी राज्यसभा में,
तो कैसे ज्ञानी है कि वो विरोध में नहीं कुछ कह पा रहे, वो अपनी तरफ भी इशारा कर रहे थे कि मैं कैसा पंडित हूं कि गलत बात का मैं समय पर विरोध नहीं कर सका। लेकिन इसने जो इंदिरा गांधी के लिए उनके मन में था वो बना रहा और कोई लाभ उन्होंने कभी लिया हो, उनका जीवन चरित्र मैंने अच्छी तरह देखा भाला, उनकी जीवन रेखाओं का अध्ययन किया कि मनस्वी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, मांगने कभी गए हों किसी के द्वार पर ऐसा तो था नहीं, उन्होंने कोई फायदा लिया हो इंदिरा गांधी से परिचय का और वो उनको गुरु मानती हैं, आदर करती हैं, इस बात का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अलबत्ता यह प्रमाण तो मिलता है कि इंदिरा गांधी जब जब किसी मानसिक संकट का अनुभव करती तो उनसे वे सलाह लेती थीं। इमरजेंसी हटने के बाद और सत्ता में न रहने के बाद इंदिरा गांधी शायद कुछ मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उन्हीं दिनों उन्होंने उनको एक पत्र लिखा कि मैं कुछ तनाव सा अनुभव करती रहती हूँ और मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो उसके उत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको एक पत्र भेजा था, वो पत्र प्राप्त होता है, छपा हुआ है, उन प्रिय इंदिरा जी आपका पत्र मिला, इस तरह से वह शुरू होता है। और उसमें उन्होंने कहा था कि महाभारत का एक श्लोक है, तो जब भी मुझे कुछ अपने भीतर संघर्ष तनाव बेचैनी सी लगती है तो मैं उस श्लोक को मन में दोहराता हूँ, वही श्लोक मैं आपको भी भेज रहा हूँ और आप भी उसको दोहराएं, कदाचित उससे आपको आत्मिक शांति प्राप्त हो। श्लोक यह था, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम उपासीत हृदये नापराजितः, सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख हो चाहे दुख, प्रियम वा यदि वा प्रियम, चाहे प्रिय हो या अप्रिय, प्राप्तम प्राप्तम उपासीत, जैसा जो जब आता जाए, प्राप्त प्राप्त जो 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 कुछ होता रहे उसको उपासीत, उसको आने दे, उसको उपासित हो जाए उसके प्रति, जैसे हमारे निकट चला आया है वो हमारे पास रहेगा, सहज भाव से उसको स्वीकार करता रहे, हृदय नापराजित, हृदय से अपराजित बना रहे, अपने आप से हार ना माने, अपने आप से यदि हार मान गया तो फिर सारी दुनिया से हार मान जाएगा, अपने आत्म में अवस्थित बना रहे, अपने वैचारिक साम्राज्य में, अपने ज्ञान की अखंडता में पंडित खड़ा रहे, विश्व चाहे जितनी चुनौतियां उसके सामने देता रहे। द्विवेदी जी ने कहा कि मुझे इस श्लोक को पढ़ने पर शांति मिलती है और आपको भी प्राप्त होगी, कदाचित ऐसा हुआ भी। तो यह एक अन्य श्लोक है महाभारत में जो हमें जीवन के मर्म तक ले जाता है। एक और श्लोक में महाभारत का जो मुझे अच्छा लगता है उसको यहाँ साझा करना चाहता हूँ। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। व्यास कहते हैं कि दृष्टिपूत रूप में पैर रखे, दृष्टि से पूत करके पैर रखे, अपनी नजरों से छान छान कर पवित्र बनाकर पांव रखे, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र से छान छान कर साफ करके जल पिए, सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से छान कर वाणी को कहे, मनःपूतम समाचरेत, और मन से छान कर, मन से शुद्ध करके आचरण करे। यह वैदिक ऋषियों की जो वाणी है उसकी छाया इसमें महाभारत के इस श्लोक में है। ऋग्वेद में कहा जो इस देश के मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए सत्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, जैसे जैसे चलनी से सत्तु छाना जाता है, सत्तुमिव तितौना पुनंतो, धातु वही है
दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम में पूत शब्द में जो धातु है क्रिया है पू धातु है पुआदिगण और क्रियादिगण दोनों में जो होती है वही ऋग्वेद के उस मंत्र में भी है कि सप्तमेव तितौना पुनन्तो इस तरह से चलनी से सत्तु को छान करके शुद्ध और साफ करते हैं उसी तरह से मन की चलनी से छान कर वाणी को निर्मल और स्वच्छ बनाकर मनीषी धीर बुद्धिमान लोग प्रयुक्त करते हैं यत्र धीरा इस देश में इस देश के धीर या ज्ञानी धी या बुद्धि से संपन्न लोगों ने वाणी का प्रयोग किया है। तो यह जो एक तरह से बिंब इसमें खड़े किए गए हैं वह एक एक पूरे जीवन की बड़े परिप्रेक्ष्य में छवि अंकित की गई जो पू धातु का पावन बनाने वाली धातु का जो प्रयोग किया गया तो देखभाल करके चले इतना ही नहीं कहा गया दृष्टिपूत बनाकर के पांव रखे मतलब एक एक कदम उसकी दृष्टि से जैसे निर्मल होकर के आगे पढ़ रहा है उस हर कदम पर पावन भाव उसके भीतर है यह अर्थ हो जाता है। और उसी तरह से पूरे जीवन में हर व्यवहार में पवित्रता हो बाहरी व्यवहार में भी इसको बताने के लिए वस्त्रपूतम पिबेत जलम और सत्य से छान कर सत्य की कसौटी पर कसकर उससे परिमार्जित या साफ करके वाणी का प्रयोग करे और अपने मन को ही प्रमाण बना दे अपनी स्वयं की कसौटी पर कस करके मन की चलनी से छान करके और आचरण करे। जीवन के जितने भी स्तर हो सकते हैं उन सभी स्तरों पर किस तरह से जीवन हमारा चलना चाहिए ये व्यास महाभारतकार यहाँ संकेत करना चाहते हैं। जीवन के तीन स्तर हैं आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो एक बाहर की दुनिया है जिसे हम आँखों से देखते हैं एक भीतर की दुनिया है कल्पनाओं का लोक है और एक उसके भी ऊपर अध्यात्म की दुनिया है रूहानी दुनिया है। इन तीनों ही दुनियाओं में हर कदम फूंक फूंक करके मनुष्य रखे हर आचरण अपने भीतर की चलनी से छान करके करे या यहाँ कहना चाहते हैं तो यह बाह्य जगत और अंतर जगत और उनके परे जो और भी कोई जगत है आत्मा का संसार हो सकता है उन तीनों में ही कैसे मनुष्य आगे बढ़े इसकी एक कसौटी इसमें बताई गई। तो यह एक एक कदम हम इस संसार में बहुत सोच समझ कर के आगे बढ़ाएं यह बाहरी दुनिया के लिए ही नहीं है भीतर की दुनिया में भी एक एक कदम हम सोच करके आगे बढ़ाएं। बाहर की दुनिया में ही हम वस्त्र से पवित्र करके जल न पिए अपने भीतर भी जो रस है उसको उसी तरह से पवित्र करके ग्रहण करें संस्कार उसके भीतर रहे और सत्य की कसौटी पर कस करके हम वाणी को पावन बना करके और प्रयोग करें और मन की चलनी से छान करके और हर आचरण हमारा आगे हो। यह जो पू धातु है मांजने के अर्थ में भी आती है साफ करने के अर्थ में भी आती है अलग करने के और छानने के अर्थ में भी आती है फटकने के अर्थ में भी आती है सूपड़े या सूप से अनाज को फटकते हैं तो उसके फोतरे हस्क जिस प्रकार से बाहर हो जाते हैं तो सार ग्रहण करना यह भी अर्थ इसमें है। तो जो तत्व है जो सार है उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ें जो निरर्थक है जीवन का उसको उठा करके हम निकाल दें अपने बाहर के जीवन में अपने भीतर के जीवन में अपने मन से भी उस कचरे को हम दूर करें बाहर से भी कचरे को हम दूर करें बहुत सोच विचार करके हम काम करें यह महाभारत का संदेश है और यही जीवन का एक मर्म भी महाभारतकार बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।